हेलो जी, नमस्ते। आज मेरी मम्मी ने घर पे ना एक करी बनाई है, तो आज हम इस वीडियो में उसी की मेकिंग देखेंगे। और इस वीडियो में ऐसा है ना कि मैं लास्ट में करी को ट्राई करके भी दिखाऊंगा कि कैसा टेस्ट बना है इसका। बिना देरी के मेकिंग देखने चलते हैं। चलिए, बनाते टाइम मम्मी बोल रही थी कि अगर तेल गर्म नहीं होता है तो चिपक जाएंगे फिर, तो इसलिए हम वेट कर रहे थे, थोड़ा तेल गर्म होने दो। तेल गर्म हो चुका है। अब मम्मी ने अंडे डालना शुरू कर दिए एक एक करके। देखो, इसमें मैं बनाने भी सीख रहा हूँ और देखने में भी मज़ा आ रहा है। अब इसमें आधा मिनट होने के बाद मम्मी ने अंडों को पलटना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर नहीं पलटाएंगे तो जल जाएंगे अंडे। अब अंडे दोनों तरफ से फ्राई होने के बाद मम्मी ने क्या किया, अंडों को एक बर्तन पे रख दिया। अभी मम्मी ने रखा हुआ चॉप किया हुआ जो प्याज था ना वो डाल दिया। अब इसमें तेल डालेंगी। तेल डालना हो गया। अब इस प्याज को ना अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये थोड़े ब्राउन कलर के ना हो जाए। अब इसमें डाल दिए गए हैं मेन इंग्रेडिएंट, मतलब अदरक लहसुन और प्याज और मिर्चा मिला के एक पेस्ट बना है ना, उसको डाल दिया। उसमें थोड़ी प्याज भी डाले है ताकि स्वाद अच्छा आए। अब इस प्याज और जो पेस्ट डाला है ना उसको फ्राई होने देंगे। मिर्चा पाउडर आ गया, उसके बाद आ गया जीरा पाउडर, आ गया धनिया पाउडर भी दे दिया और इन सबको मिक्स कर दिया। लगता है मम्मी हल्दी डालना भूल गई है, थोड़ी देर बाद में डालेंगी लग रहा है। हल्दी भी आ गया। अब ये करीब करीब 2 मिनट तक फ्राई होने के बाद मम्मी ने क्या किया, पानी दे दिया इसमें ताकि मसाले नहीं जले। भाई ये तो मुझे भी पता है। अब इसमें डाला जा रहा है मेन इंग्रेडिएंट, भाई स्वाद ही स्वाद आ जाएगा इसमें। ये ना भाई बॉयल किया हुआ आलू है भाई, नुस्खे देखो मम्मी के। इसमें ना बॉयल आलू को ना भाई ऐसे चक करके दे देते हैं इसमें, ताकि भाई वो जो ग्रेवी है ना वो पतली ना बने। आप ये भी दे सकते हैं इसमें, हम कुछ और कलर के मतलब इस्तेमाल नहीं करते। मम्मी ने इसमें आलू दे दिया भाई, ये अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था। आलू देने के बाद मम्मी ने फ्लेम को हाई कर दिया और इसको उबाल आने तक छोड़ दिया और धीरे धीरे उबाल भी आ गया। उबाल आने के बाद ये आ गई गरम मसाला, पैकेट वाला नहीं, मतलब वो पेड़ के खाल से जो निकालते हैं वो दे दिया। यार जो फ्राई कर रखा था ना वो अंडे मम्मी ने देने स्टार्ट कर दिए। अभी अंडों को लास्ट में देने का यही है कि अगर अंडे पहले दे दिए जाते तो करी के साथ बॉयल हो जाते और कुछ अलग ही बन जाता। 1-2 मिनट तक उबालने के बाद मम्मी ने इसको उतार दिया। अब मेरी बारी है, मेरी मतलब टेस्टिंग की बारी है भाई। अब जो ग्रेवी है ना भाई वो जस्ट वाव दिखने में लग रही है और अंडे मेरे को 2 मिलने वाले। अभी मम्मी ने परोस दिया है तो खाना स्टार्ट करते हैं। ये अंडे देख सकते हैं भाई कितने जूसी लग रहे हैं। और ये गया मेरे मुंह पे पहला बाइट।
हाय क्या टेस्ट था। अब दूसरा भाई लेते हैं भाई, ग्रेवी और जो अंडा है ना भाई, एकदम क्या ही झकास लग रहे हैं। अब ये वाला भी ट्राई करते हैं। इतना तक रिकॉर्ड कर पाए और उसके बाद मैं खाने में डूब गया भाई।